साढ़े कौमी कन्वीनर अते दिल्ली दे मानयोग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अते पंजाब दे आन बान शान साढ़े हरमन प्यारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी जदों चोण प्रचार कर रहे सी तां उन्होंने ये आख्या सी कि आम आदमी पार्टी दीआं दो प्रमुख जिहड़े दो सेहत ते सिख्या इस दे उत्ते जे साडी सरकार बनदी आ उहदा पूरा जोर रहो ते लोकां ने एक बहुत वड्डा फतवा 92 सीटां दी मेजोरिटी इतिहासिक मेजोरिटी सरदार भगवंत सिंह मान नूं दित्ती ते जिस दिन तो सरकार बनी है पिछले 10 महीनियां दे विच इन्हां दोनों क्षेत्रां दे विच चाहे वह सिख्या होवे चाहे सेहत होवे बेमिसाल काम होया आम आदमी क्लीनिक थोड़े बन के थोड़े सामने तैयार है ते सिख्या दे खेत्र चाहे कच्चे टीचरां नूं पक्का करना होवे चाहे स्कूल ऑफ एमिनेंस होवे चाहे बिजनेस ब्लास्टर होवे चाहे ट्रांसफर पोर्टल च होवे चाहे 1890 क्लासरूम बन रहे हैं चाहे होर बहुत सारे सुधार चल रहे हैं उत्थे एक ये भी सीगा कि असी लोगों नाल वादा किया कि पंजाब दे सरकारी स्कूलों के प्रिंसीपल अते टीचर्स जो साडे शिक्षक ने चले हुण तक सरकारी स्कूलों नूं डंपिंग ग्राउंड समझिया जाता सी ऐ समझिया जाता सी कि बच्चा भेजता तो ठीक है पढ़ गया तां वी ठीक है नहीं पढ़िया तां वी ठीक है पर पहली बारी हो रहा कि पंजाब दा किसे स्कूल दे प्रिंसीपल्स असी कहा सी असी साडे सरकारी स्कूलों के जिहड़े साडे सरकारी स्कूल प्राइवेट नालों भी वधिया बनणगे प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसीपल्स ट्रेंड नहीं होणगे पर साडे सरकारी स्कूलों के प्रिंसीपल्स दा पहला बैच 36 प्रिंसीपल ते 2 साडे हैड ऑफिस तो डायरैक्टर SCERT ते ADA SCERT 38 लोगों का जिहड़ा ग्रुप है कल सवेरे इसी जगह तो खुद पंजाब के मुख्यमंत्री इन्हों फ्लैग ऑफ करनगे ते सिंगापुर जा रहे हैं कितने जा रहे हैं सिंगापुर प्रिंसीपल्स अकैडमी जो एक वर्ल्ड रिनोन्ड जो पूरी दुनिया के पूरे विश्व के जानिया मानिया इंस्टीट्यूट है प्रिंसीपल्स की ट्रेनिंग का प्रिंसीपल्स अकैडमी जा रहे हैं जिथे जाके वो एक मिशन से जा रहे हैं कि किवें पंजाब दी सरकारी स्कूलों की जिहड़ी छवि है किवें पंजाब दे सरकारी स्कूलों अकैडमिक्स नूं एक नवे लैवल ते लेके जाना ते ये 36 जिहड़े प्रिंसीपल्स है मैनूं उम्मीद है जदों आणगे तुहाडे सामने भी रूबरू करावांगे ये 36 प्रिंसीपल्स आके पंजाब दे विच एक नवी सिक्ख्या क्रांति की शुरुआत करनगे अपने तजर्बे अपने साथी प्रिंसीपलां नूं अपने तजर्बे अपने स्कूल दे सारे स्टाफ नूं अपने तजर्बे अपने स्कूल दे बच्चियां दे उत्ते इंप्लीमेंट करांगे इस करके ट्रेनिंग किसी भी संस्था दे विच बहुत जरूरी हुंदी है ते सानू माण है कि साडे प्रिंसीपल्स दी ट्रेनिंग वर्ल्ड रिनोन्ड इंस्टीट्यूशन तो हो रही है ते शुरुआत है ये सिर्फ यही नहीं कि 36 ते खत्म हो जाऊगा तुसी पुछोगे नहीं मार्च विच भी जा रहे ने उस तो बाद साडा टाई अप UK नाल कैनेडा नाल होर बहुत सारे मुल्क जिन्हां मुल्कां ने सिक्ख्या दे खेत्र दे विच बेमिसाल काम कीता होवे ये भी प्रिंसीपल्स नूं बाहर भेजांगे हैडमास्टर्स हैड टीचर्स ते टीचर्स उन्हां नूं भी ट्रेंड करना साड़ी कोशिश है कि अपने हर एक टीचर नूं ट्रेनिंग देनी है तो उन्होंने लिए असी देश के जिहड़े सर्वोच्च संस्थान ने ट्रेनिंग संस्थान ने IIM अहमदाबाद IIM नागपुर इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस होर इदा दिया जिहड़ियां संस्थावां ने जिथे वड्डी वड्डी कंपनियां अपने CEOs नूं ट्रेनिंग लिए भेजदियां अपने इंपलॉयज़ नूं ट्रेनिंग लिए भेजदियां उत्थे साडे पंजाब दे सरकारी स्कूलों के टीचर भी जाणगे ते ये मैं बतौर सिक्ख्या मंत्री मैं समझदा साडे लिए बड़ा ही इतिहासिक दिन है साडे महकमे दे विच एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी इहदे नाल आई है ते इदां ही होर शुरुआत तकरीबन 10 दिन पहलां स्कूल ऑफ एमिनेंस दा लॉन्च किया अगले हफ्ते तुसीं देखोगे बिजनेस ब्लास्टर्स दे उत्ते जो एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया सी पंजाब दे विच किवें साडे बच्चियां ने किवें सरकारी स्कूल च पढ़ते बच्चों ने 11वीं जमात के बच्चों ने किन्ने खूबसूरत आइडिया किन्ने नवेकले आइडिया बिजनेस ब्लास्टर के राही लैके आए हैं पहली बारी होगा साडे मुख्यमंत्री साहब खुद लीड करनगे सरकारी स्कूलों के एडमिशन खुद वो अपील करनगे कि अपने बच्चों नूं सरकारी स्कूलों च भेजो असी लगातार जो जो कमियां ने कमियां की ने कि टीचर घट ने टीचर लैके आ रहे हैं बिल्डिंगा माड़ियाँ बिल्डिंगा का सुधार कर रहे हैं मेरे दिन की शुरुआत ऑलमोस्ट डेली हर रोज़ाना किसी ना किसी स्कूल तो होंगी अज भी मैं एक स्कूल च गया सी बहुत सुधार करने की लड़ है पर साडे वालों एक सेकेंड जी प्लीज़ मैम प्लीज़ साडे वालों उन्हां सुधारां दे उत्ते असी इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार भी करांगे पंजाब स्कूल एडुकेशन बोर्ड दे विच भी PSEB दे विच भी जिहड़ा बहुत वधिया उहनूं CBSE दे मुकाबले लैके आना बल्कि CBSE तो भी वधिया बनाना बोर्ड दे विच भी सुधार करांगे अपने करिकुलम च भी सुधार कर रहे हैं नवे कोर्स किवें बच्चों नूं जिहड़ी है स्ट्रेस फ्री जिंदगी किवें बच्चों नूं एक चंगा नागरिक किवें बच्चों नूं देश भगती नाल जोड़ना किवें बच्चों नूं विरसे नाल जोड़ना हर पहलू ते काम हो रहा ते महकमा बहुत जोरां शोरां ते मैनूं माण अपने टीचर्स ते जो सवेर तो लैके देर शाम तक काम कर रहे हैं तो उ महकमा जिसनों सिर्फ अज तक सिर्फ धरने वाला महकमा समझिया जाता सी मैनू माण अपने सारे टीचर्स के उत्ते अपने स्टाफ के उत्ते
ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਦਿਨ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ 36 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਆਣ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਆ ਸਕਿੱਲ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ 2026-27 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲੇਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚ ਬੱਚੇ ਘਟੇ ਨੇ ਕਪਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵਿਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਈਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਪੂਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸੋ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਕਿੱਲਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਬਰੋਡ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇਖੀਏ ਉੱਥੇ ਸਕਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਥਿਊਰੀ ਪਾਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਟ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਨੀਡਿਡ ਦੈਟ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਸੋ ਬੀ ਗਿਵਨ ਦ ਸਕਿੱਲਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਲੱਸ ਜੋ ਜੋ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟਾਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਫੱਟੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਬੋੜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਣਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਯਕੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੂਗਾ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਮਹੀਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖੂਗਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਤੇ 36 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹਦੇ 2 ਸਾਲ ਪਏ ਹੈ 2-2.5 ਸਾਲ ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜੀਏ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ